हेलो दोस्तों, आज हम जाएंगे रानू मंडल से मिलने। और ये हमारे कैमरामैन साहब हैं जो अभी न्यू न्यू हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं, उनके लिए आज जाएंगे रानू मंडल से मिलने। इनका नाम सुमित कुमार सिंह है और हम दोनों जयपुर से हैं। ये हमारा पहला ब्लॉग हुआ जो हम लोग जाएंगे रानू मंडल से मिलने, और चलते हैं हम लोग रानू मंडल से मिलने। वहाँ का वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे दिखाएंगे, इस वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए रानू मंडल का घर है और इनके पास एक बिल्ली भी है, और घर के अंदर चलते हैं। ये देखिए, ये हैं रानू मंडल जी, इनसे हम बाद में बात करेंगे। आपको पहले घर का नज़ारा दिखा देते हैं। और यहाँ पे देखिए बेडरूम भी पड़ा हुआ है, सिलेंडर है, चूल्हा है, इसमें गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो गया है। रानू मंडल जी भरवाएंगे इसमें। ये देखिए बाहर का नज़ारा है, और ये इनका रूम है, आपको रूम के अंदर ले चलते हैं। रूम के अंदर ये अवार्ड है जो इनको गाने से मिला है, और ये देखिए पंखा है, और ये इनका रूम है, और इनसे हम अवार्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अवार्ड देख चुके हैं, और बिस्तर ये देखिए, ये रानू मंडल जी का बिस्तर है, और ये इनका ट्रॉली बैग है जो ये कहीं जाती है तो ट्रॉली बैग लेके जाती है। और तो रानू मंडल जी, आप हमें ये बताइए, आप बॉलीवुड में कैसे गए और वहाँ पे आपको कैसे सक्सेस मिला, और वहाँ के लोगों के बारे में बताइएगा ज़रा, वो आपसे क्या कुछ। हम लोगों को तो लगा था कि आप अभी जो लोगों को पसंद नहीं था सारा कामयाब हो या फिर होना चाहिए, जो कि एकदम डेफिनेटली जो कि एकदम होना चाहिए, यानी श्योर उन लोगों की खातिर या भगवान, अगर थोड़ा अच्छा रहेगा तो ज़्यादा बनाते हैं, ज़्यादा खराब बनाते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा खराब रहेगा तो उसको थोड़ा बनाता है, मतलब काम उनके कामों में परिचय मिलता है ना कि वो क्या किस तरीका का वो इंसान या फिर वो किस तरीका का लोग है या फिर कोई क्या किस तरह का। तो देखिए रानू मंडल जी से हम पूछ चुके हैं कुछ सवाल, और इनसे हम बाद में कुछ सवाल पूछेंगे। ये आप लोगों को घर दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये इनका फोटो है जो बॉलीवुड से मिला हुआ है, और ये इनका खिड़की है, और हम आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक फूल भी है, और ये देखिए बाहर से इनका घर कैसा लगता है। ये बाहर से इनका घर एक स्कूल टाइप दिखता है, जो पुराना स्कूल होता है ना, सरकारी स्कूल, उस टाइप दिखता है। हम आपको चारों तरफ से दिखाएंगे इनका घर का नज़ारा। और रानू मंडल जी यहाँ रहती है, और इनको बॉलीवुड गाने से आने के बाद इनका ये हाल हो गया है। हम लोग कुछ और सोचते थे इनके बारे में, जो रानू मंडल जी ये वो स्टार बन गए, इनको घमंड हो गया, लेकिन कुछ नहीं है, रानू मंडल जी सिर्फ नॉर्मल है। और इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए। भाई, एक भाई आया था इनके लिए, कुछ खाना लेके आए थे, वो लोग लाए या फिर तुम लोग क्यों लोग गए तो वो हाथ लेके आया था ना, क्योंकि आज मुझे एकदम खाना। तो रानू मंडल जी खाना भी नहीं खाए, और इनको सिर्फ चावल और सब्जी मिला है। और ये देखिए होटल से भाई लाए थे, जो अभी वीडियो बना के गए हैं वो भाई साहब लेके आए थे। रानू मंडल जी के पास गैस ख़त्म हो गया था, रानू मंडल जी गैस भराएंगे तब खाना बनेगा। आइए इनसे हम बात करते हैं कुछ, और इनके बारे में सोचे हैं ये कहीं घूमने भी जाते हैं, इनका बॉलीवुड से इनकम कितना हुआ, कितना कमाई है। हाँ बोले तो जब जब हम लोग कहीं पे जाने, मतलब कोई प्रोग्राम अभी उसी प्रोग्राम के खातिर वो रुपया खर्च हुआ, तो आपको एक गाने में कितना मिलता था, वो 5,000 10 मिलता था, 8 मिलता था, 9 मिलता। हम लोग सुने आपको एक गाने के लिए 50,000-60,000 रुपया मिला हुआ है। थे के बारे में मुझे नहीं मालूम, बहुत ही थे, लेकिन वो जो थे ना उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मुझे नहीं मालूम, जितना उठाता था पहले जाते थे, तभी वो 2019 के बाद उसमें आना जाना था, वहाँ रुपयों की जरूरत था तो बैंक से उठाते थे,
तो वो जो 2019 की बात कर रही हूँ, तो 19 में या फिर 20 में पूरा बैंक का जो आना जाना वो बंद, मतलब हम लोग और नहीं जाते बैंक में। कि तपन ला के हर महीने 5-6 हज़ार देता, उसके पहले ज़्यादा देता था, जैसे कि 10-5 नहीं तो 6 हज़ार लाके देते हैं। ओके, तो सुने हैं रमेश समिया आपको गाने के लिए कुछ पैसे भी दिया करते थे और आपको हीरोइन के रूप में काम करवाना चाहते थे। उन हीरो उन स्टारों का क्या हालत है भगवान को मालूम, मुझे नहीं। हर इंसान तो अपने आप को हीरो समझता है, कोई कोई बहुत हीरोइन खुद को हीरोइन समझता है, वीडियो के माध्यम में हीरोगिरी मतलब हीरोइनगिरी दिखाता है, मतलब नायिका दिखाता है, मगर क्या है उसका कोई मालूम नहीं है। ऊपर वाला के आई मीन जो हमारे मालिक ऊपर। दोस्तों तो ये देखिए, ये इनका घर है, यहाँ है ना, यानी बारिश के मौसम में इनका छत चूता है, चूने का मतलब समझते हैं, टपकता है इनका घर। और ये यहाँ पे रानू मंडल जी बैठे हुए हैं, इनसे और भी कुछ पूछेंगे बॉलीवुड के बारे में। और ये देखिए इनका घर का आसपास का माहौल है, और ये देखिए, यानी ये वीडियो वायरल हो जाएगा ना तो रानू मंडल जी को कुछ हेल्प मैं करूँगा अपनी तरफ से, और शायद आप लोग भी कुछ हेल्प कीजिएगा इनको, जो इनको कुछ हल्का सपोर्ट मिले। और इनसे जो वीडियो बनाने आते हैं सब यही बोलते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लिए बहुत सारे लोग मिलता है सहायता करने के लिए। अपने अपने दिल से पूछना कि कौन होता है और कौन सहायता कर सकता है, ये सब अपने अपने दिल पे पूछना मुझे। तो रानू मंडल जी को बहुत बुरा लगता है जो वीडियो बना के आते हैं, कहते हैं हम वायरल, यानी वायरल हो जाएगा तो कुछ आपको सहायता करेंगे, थोड़ा इनसे हम एजुकेशन के बारे में। तो पता है मैंने मालिक का जो बाइबल है उनसे मैंने पढ़ा था कि वो दुष्ट लोगों को हाथ में पृथ्वी को डाल दिया था, लोग क्या क्या कर सकता है उसके साथ, जो महिला या फिर खराब महिला या फिर अच्छा महिला जो मालूम नहीं है, मगर बाइबल में लिखा था कि वो दुष्ट के हाथ में पृथ्वी को दे दिया। अभी वो दुष्ट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करता है यार हफ्ते में। वो अभी क्या क्या होने वाला है, क्या होगा, तो मालिक था नहीं है नहीं और रहेगा भी नहीं, घूम जाएगा, मगर उनका जो वादा है वो कभी तोड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, रानू मंडल जी से हम कुछ सवाल भी पूछ चुके हैं, ये हमें बाइबल के बारे में भी बताएं। हम सुने हैं रानू मंडल को घूमने का बहुत शौक है, वो यानी जाना चाहती है, घूमने जाना चाहती है, और लोगों को भी लगता है हाँ इन्हें मालिक चाह तो फिर आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही करें और वैसा ही फिर जाएंगे। किसके दम होता है वो टिकट ला के दे, मुझे लेके जाए एयरपोर्ट, और जिस देश में घुमाना चाहता है घुमाए, जरूर घुमाएगा, मैं घूमूंगी। लेकिन बात यही है कि है मालिक चाहता है कि नहीं, अगर मालिक नहीं चाहा तो मुझे क्या, मेरा मर्जी कुछ भी नहीं है, मगर मर्जी करवाने वाला तो मेरा मालिक है, वो अगर चाहे तो मुझे कहीं पे भी ले सकता है, ले जा सकता है, उनका दम है, अब मुझे ले जा सके। मैं ये तीन कभी से 19, 21, 20 अभी 22 साल चल रहा है ना, 22। तो रानू मंडल जी से हम कुछ पूछ सके हैं, और हम आपको यानी रानू मंडल जी को हल्का म्यूट कर दिए हैं। तो ये देखिए इनका गैस ख़त्म हो चुका है, और ये देखिए गैस के बारे में कुछ हमें बताना चाहती है, लेकिन हम पूछेंगे नहीं गैस के बारे में इनसे, गैस यानी कब तक भराएंगे ये गैस, गैस ख़त्म हो चुका है फिलहाल, आज रानू मंडल जी बोल रहे थे आज ही गैस ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों आइए, हम आपको बोले थे हम रानू मंडल जी का, ये देखिए एक भाई आया था खाना लेके, जो होटल से लाए थे रानू मंडल जी, खाए भी नहीं हैं। और ये देखिए, हम आपको बोले थे रानू मंडल जी का घर आपको है ना पूरी ग्राउंड दिखाएंगे, चारों तरफ से दिखाएंगे, तो रानू मंडल जी का घर यही है, आप लोग इनको प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और ये है ना बॉलीवुड यानी अवार्ड शो से आने के बाद इनका ये हाल हो गया था, हम लोग सोचते थे कि रानू मंडल 5 स्टार में रहती है, ये करती है, वो करती है, एटीट्यूड हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है,
ये सब अफवाहें हैं रानू मंडल जी के बारे में जो फैलाई जा रही है। तो रानू मंडल जी यहाँ पे देखिए, इनका घर हम स्थिति देख चुके हैं। जो भी कोई आता है इनको यही बोलता है हम वीडियो वायरल हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। हालांकि उनका सबका वीडियो वायरल हो चुका है फिर भी इनको कोई सपोर्ट नहीं करने आ रहा है। तो वो इनको गाने से अवार्ड मिला हुआ था और ये इनका फोटो है। तो हम चलते हैं बाहर की ओर और ये देखिए रानू मंडल जी का कल है, कल नल जल जाते हैं ना, कल हम लोग के गांव में कल बोला जाता है। और ये देखिए ये इनका पीछे का नज़ारा है जो हम देख चुके हैं। रानू मंडल जी 5 स्टार में नहीं बल्कि इस घर में रहती है। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका घर का पता डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा और मिलने आइएगा इनसे। बहुत बढ़िया से बातें करती है, हम लोग सोचते थे एटीट्यूड हो गया है रानू मंडल जी का। तो ये है रानू मंडल जी का घर और ये जैसा हम लोग यानी अफवाहें फैलाई जा रही थी रानू मंडल जी 5 स्टार में रहती है, ये है वो है। हालांकि रानू मंडल जी इस घर में रहती है, यानी हम लोग कुछ और ही सोच रहे थे जो रानू मंडल जी अवार्ड यानी गाने में गाने से आने के बाद 5 स्टार में रहती होगी। तो ये देखिए इनको गाने से मिला हुआ है अवार्ड, बहुत प्यारा सा है। इनके पास यानी 6 अवार्ड है और ये है रानू।